एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह जो मान लो सप्तम भाव में सौ राशि का है तो किस तरह से वो कारक भावना से हो जाता है, इसकी जानने का हम प्रयत्न करेंगे। मान लो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में नौ नंबर की राशि है, वहां पे बृहस्पति बैठा है और यहाँ पे पाप ग्रह मान लो दशम भाव से शनि का प्रभाव आ रहा है, तो आपको क्या समझ में आया कि देखिए कि ये जो गुरु के बारे में बताया गया कि जहाँ बैठता है वहां का नाश करता है, तो सप्तम भाव में बैठ के उसके प्रभाव को खत्म कर दिया, फिर वहां पे वो सौराशी का हो गया तो सप्तम भाव का स्वामी और ये कारक भी है स्त्री के कुंडली में शादी का, तो तीनों पे पाप प्रभाव आ गए। मान लो शनि की दृष्टि आ गई है और वहां पे मान लो राहु वगैरह की भी दृष्टि आ जाती है, तो इस तरह से आप अपने कुंडली में जो स्त्री है वो जान सकती है कि अपना जो सप्तम भाव पीड़ित हो गया, सप्तम भाव सप्तम का सारी और कारक भी बृहस्पति वो पीड़ित हो गया, तो ये कारक भावना से भी हुआ, ये भी हो गया, दूसरा ये हो गया कि गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव का भी नाश करता है, तो यहाँ गुरु सप्तम भाव में बैठ के उसको भी खत्म किया। तो इस तरह से गुरु जो ग्रह है वो मिथुन लग्न में नवम भाव और सप्तम भाव में नौ नंबर की जो राशि है धनु राशि में बैठ के उस पे पाप प्रभाव में आने से ये कारक भावना से भी हो गया और ये स्त्री के कुंडली के लिए कारक होता है शादी का पति के लिए, तो स्त्री के कुंडली में ये पूरा तीनों का इसने पाप प्रभाव में आने से ये शादी के लिए अच्छा योग नहीं बना और ये पीड़ित हो गया। तो इस तरह से विस्तृत वीडियो हमने बनाया है, वो भी आप व्यावहारिक जीवन के बारे में और शुक्र गुरु ग्रह के बारे में उसको भी जरूर देखिए। आपने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।